अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्राम स्किल्स अकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे H1 और 70 करेक्टर्स। तो जो ज़्यादा लंबी H1 होती हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है कि जो गूगल है उसने H1 से मेन कीवर्ड का आइडिया पिक करना होता है। तो अगर आपकी H1 ज़्यादा लंबी होगी तो उसे कीवर्ड की समझ नहीं आएगी और वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो इस वजह से हमारी जो H1 है वो लेस दैन 70 करेक्टर्स होनी चाहिए। तो ज़्यादा लंबी H1 को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग। आप जाएंगे H1 में और यहाँ से फ़िल्टर में से और 70 करेक्टर्स, तो जो ज़्यादा लंबी H1 होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। फिर आपको पेज एडिट करके उसका टाइटल चेंज करना पड़ेगा। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।